प्रिंसिपल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक ही दिन में आपकी दो दो फिल्में आ रही हैं, तो हमने तो दोनों फिल्मों का ट्रेलर देखा, ब्लैंक एंड सेटर, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने फैंस को बताइए, एक दिन में आपकी दोनों फिल्में जो आ रही हैं, क्या क्या कैरेक्टर होने वाले हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट? दोनों फिल्म बहुत ही डिफरेंट हैं. दोनों का USP अगर मैं बोलूँ तो द कंटेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. जो स्टोरी है, लेट्स टॉक अबाउट ब्लैंक फर्स्ट. ब्लैंक में मैं ATS ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हूँ. मेरा नाम हुस्ना है. एंड जैसे मैंने सारे अलग जो भी फिल्म अब तक किए हैं, बहुत ही सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर है, तो इसमें थोड़ा खून बहाने का और मारने का मौका मिला है लोगों को. तो आई रियली एन्जॉय डूइंग द एक्शन. एंड उसका जो कैरेक्टर है, शी इज़ द यंगेस्ट रिक्रूट, सबसे यंग है पूरे टास्क फोर्स में, बट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, अपना काम करती है. एंड एक वेरी डेडिकेटेड, उसका जो कैरेक्टर है, शी इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड शील गेट द वर्क डन. सो शी इज़ वर्किंग अंडर सनी सर. एंड किस तरह से वो टेररिज्म को रोकने की कोशिश करते हैं, तो पूरी कहानी उसके ऊपर है. जो करण इज़ डेब्यूइंग विद दिस फिल्म, तो ही इज़ प्लेइंग द टेररिस्ट, बट उसमें भी ट्विस्ट है कि वेदर ही इज़ एक्चुअली ही नोज वॉट ही इज़ डूइंग, नहीं कर रहे. तो ऐसे हमने ट्रेलर में बहुत क्वेश्चन मार्क्स रखे हैं ताकि पीपल गेट एक्साइटेड एंड दे वॉन्ट टू वॉच इट. दो रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया है, लोगों को बहुत पसंद आया है ट्रेलर. एंड अभी एक सॉन्ग भी आया है, वार्निंग नहीं दूंगा, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है. सो दिस इज़ ब्लैंक. सेटर्स में अगेन द कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट, द स्टोरी इज वेरी डिफरेंट. सेटर की बात करेंगे, लेकिन हाँ, उससे पहले क्योंकि ब्लैंक की अगर बात करूं तो सनी पाजी हैं, हमने उस दिन रैप अप पार्टी भी देखी जी. आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई थिंक फर्स्ट टाइम यू वर्क विद सनी. हाँ, पहली बार हमने काम किया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था. ही इज़ वेरी, थोड़े सीरियस है एंड वेरी वेरी डेडिकेटेड. ही कम, ही यू नो डू द सीन एंड फटाफट सीन खत्म हो जाता है, लाइक वेरी नॉर्मल. आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. ऑफकोर्स ऑल दीज एक्टर्स हैव डन सो मच वर्क. जब आप उनको परफॉर्म करते हुए देखते हो, जिस तरह से वो अपने डायलॉग्स यू नो डिलीवरी करते हैं, जिस तरह से एक स्क्रिप्ट को, सीन को बहुत अलग तरीके से वो प्ले करते हैं, तो दी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आई ट्राई टू लर्न एज मच, बिकॉज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था टू वर्क विथ somebody जिनको हमने इतने सारे अमेजिंग फिल्म्स में देखा है. तो मुझे बड़ा मज़ा आया. साथ ही साथ इफ़ आई टॉक अबाउट द डायरेक्टर बहजाद, दिस इज़ फर्स्ट फिल्म, बट जैसे ट्रेलर आपने देखा, इट्स वेरी द वे ही इज़ मेड, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ही इज़ लॉट ऑफ फन टू वर्क विथ एंड द मोस्ट फन पर्सन ऑन सेट वुड बी करण. जो हमारे सीन्स काफ़ी सारे हैं नहीं साथ में, जो भी सीन से हम एक दूसरे को मार रहे हैं, बट ही इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. जो सारे एक्शंस उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन किया है, ही इज़ डन इट ऑल बाय हिमसेल्फ. ही इज़ ट्रेन्ड सो मच, उन्होंने काफ़ी जगह जाके इन्होंने, ही इज़ टेकन स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दिस फिल्म. एंड यू नो ऑल इज हार्ड वर्क इज़ शोइंग. आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आया. लॉट ऑफ एक्टर्स आर ट्वीटिंग अबाउट इट, सो पीपल आर रियली लाइकिंग हिज वर्क. सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर हिम, फॉर मी, फॉर एवरीबडी, फॉर ब्लैंक. इंडस्ट्री से भी काफी सपोर्ट जी 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 जी. एज एन एक्टर क्या फील होती है, क्या कुछ फीलिंग होती है जब फिल्म रिलीज होने से पहले मिलियंस ऑफ व्यू आ चुके हैं जी? आई थिंक अच्छा लगता है, दोस्तों का, सभी का सपोर्ट आया, अच्छा लगता है, बिकॉज इट शोज दैट यू नो पीपल आर लाइकिंग, उनको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, इसलिए वो ट्वीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में. एक दिस इज़ द पॉजिटिव एनर्जी जो भी है. प्लस इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स फैमिली, तो वो तो ऑफकोर्स बहुत ही एक्साइटेड है, बिकॉज ऑफकोर्स दे आर फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो एंड बिकॉज मेरी दोनों मूवी आ रही है, तो नाउ दे आर लाइक कन्फ्यूज, कौन सी पहले देखे, कौन सी बाद में देखे. बट देखना तो दोनों पड़ेगा, ना सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स को, आप सबको देखना पड़ेगा दोनों. क्योंकि ब्लैंक की बात हो रही है, आपसे लोगों ने सवाल पूछा, बहुत बार होता है, कभी कभी होता है कि आप कुछ पूछते हो एंड यू नो यू स्टार्ट आंसरिंग, आप कुछ बोल रहे हो और एट अ पॉइंट आप भूल जाते हो कि सवाल क्या था, क्योंकि वो यू नो यू गेट ब्लैंक. तो फिर जनरली मैं वो कंटिन्यू करती हूँ, जो भी मुझे बोलना होता है मैं बोल देती हूँ, दैट्स हाउ वी कवर अप. बट एग्जामिनेशन पेपर में बहुत बार हम ब्लैंक हो जाते हैं, मोस्टली फिजिक्स के एग्जाम में तो मैं हमेशा ब्लैंक होती थी, बिकॉज मुझे आंसर्स पता ही नहीं होते थे क्या करना है, क्या लिखना है. तो ऐसे लाइफ में बहुत हुआ है जब यू नो यू कम्प्लीटली गो ब्लैंक एंड यू डोंट नो क्या हो रहा है. एंड आपके फैमिली मेंबर का क्या रिस्पांस था इस ब्लैंक को लेकर? दे आर वेरी एक्साइटेड. अ लॉट ऑफ माय फैमिली, माय मदर इन लॉ स्पेशली, शी इज़ अ बिग सनी देओल फैन, तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड. इनफैक्ट शी केम ऑन सेट ऑल्सो विद माई मॉम, उनको मिलने के लिए, उनके साथ एक फोटो लेने के लिए. तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म. चलाई नहीं, लेकिन मैंने प्रिटेंड किया चलाने का और लोगों को ऐसे चकमा, मतलब उनको बुद्धू बनाया कि हाँ चला सकती, बट एक्चुअली शी समबडी वुड नॉट
पुल द ट्रिगर, बट लोगों को ऐसा फील कराती है कि मैं तो बहुत दबंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बिकॉज शी इज़ प्लेइंग द डॉटर ऑफ द माफिया, जो डॉन है, जो ये सब सेटिंग करते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, तो उनके सामने तो शी इज़ वेरी नाइस, चाय का ट्रे लेकर आएगी एंड यू नो सबको चाय पिलाएगी, बट इशारों में उसकी सब सेटिंग हो रही है, तो वो अपनी खुद की सेटिंग लाइफ में कर रही है. सो दैट्स अ कैरेक्टर, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, समथिंग डिफरेंट, एंड हाँ बड़ा मज़ा आया शूट करके उसको. बहुत सारे स्टार कास्ट है ऐसे जी, बहुत सारे लोग. कैसा रहा आपका सभी के साथ का एक्सपीरियंस? सबके साथ तो खैर मैंने शूट नहीं किया. आई हैड लॉट ऑफ सीन्स विद पवन जी, विद श्रेयस. श्रेयस के साथ मोस्टली मेरे सीन्स थे, एंड आफ्ताब के साथ एक आध सीन था. आफ्ताब के साथ आई हैव वर्कड बिफोर, आई वॉज एन AD ऑन हिज फिल्म, तो वी गो लॉन्ग बैक 10 years बैक हमने काम किया था जब मैं स्कूल में थी, बहुत छोटी थी, एंड इट वॉज नाइस टू वर्क विथ हिम अगैन. एंड माहौल बहुत ही फन रहता था सेट पे, बिकॉज अश्विनी सर बहुत प्रैंक्स करते हैं, फोटोज़ लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, गाने गाएंगे. अभी श्रेयस ही लव्स डूइंग मिमिक्री, तो ही किसी की नकल उतारेंगे, तो कॉन्स्टेंटली सेट पे कुछ चलता रहता था. इनफैक्ट जब मैं नहीं होती थी शूट पे, अगर मेरा सीन नहीं है और ये सब शूट कर रहे होते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं क्यों नहीं हूँ, बिकॉज यू नो बींग ऑन सेट यूज टू बी सो मच फन, कि मैं चाहती थी कि मैं और हूँ. प्लस हमने बनारस में शूट किया और मुझे आई फेल इन लव विद दैट सिटी. आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, जो गंगा घाट, आई थिंक सेट के बाद सब हम भाग जी हम रोज़ रोज़ आते, हम लोग दिवाली के दिन वहाँ थे, तो मेरी दिवाली, आई मीन आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, कि मैं दिवाली के दिन घाट पर बैठ के मैं आरती देख रही थी विथ माई एंटायर टीम. तो हमने पूरा फ़ायदा उठाया है अपने शूट का वहाँ पर. खाना, द खाना इज़ अमेजिंग इन बनारस. Tomato chaat something you get, it's, yeah it's good. So we had a lot of fun shooting in Banaras. Same date पे आपकी फिल्में रिलीज होने वाली, दोनों फिल्में, तो कैसे आप प्रमोशन को कैसे हैंडल करने वाली हैं? दोनों को प्रमोट कर रही हूँ साथ में. ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल मोर हेक्टिक बिकॉज नाउ इट्स नॉट जस्ट वन फिल्म, बट आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से एंड वेरी प्राउडली से दैट आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ बोथ द फिल्म्स, क्योंकि दोनों फिल्म का जो स्टोरी है, जो बेस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. सेटर्स का मैंने बताया नहीं आपको. इट्स अबाउट द एजुकेशन माफिया, इट्स अबाउट हाउ पेपर कैसे लीक होता है अलग अलग लेवल पे, एंड नॉट जस्ट नहीं नहीं मैं नहीं कराती, वो मेरे फादर इज इन्वॉल्व इन दिस एंटायर थिंग, एंड श्रेयस उनके लिए काम करते हैं, किस तरह से वो सेटिंग करते हैं अलग अलग लेवल पे, लाइक बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो गए, जितने सारे एग्जामिनेशन ऑन अ लार्ज स्केल. तो इस मूवी में आप देखेंगे कि किस हद तक लोग पहुंच गए चीट करने के लिए. नॉट जस्ट चीटिंग मतलब पेपर लीक, अलग अलग टाइप के, जैसे प्रॉक्सी बिठा देते हैं, आपकी जगह कोई और बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, ये होता है. गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं आजकल, टेक्नोलॉजी के जो प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको माइनस पॉइंट्स दिखेंगे, किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोग सेटिंग कर रहे हैं, पेपर की सेटिंग कर रहे हैं. एंड ऑफकोर्स अभी पेपर लीक हो रहा है, तो हर इंसान अलग अलग लेवल पे इन्वॉल्व है, फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तभी ये हो पाता है, बिकॉज इट्स अ बिग स्कैम. तो ये पूरा देखेगा, रेट कार्ड है कि मेडिकल का इतना पैसा, इंजीनियरिंग का इतना पैसा, बैंक का इतना पैसा, तो यू नो यू सी ऑल ऑफ दैट एंड इट्स ऑल ट्रू, इट एक्चुअली हैपेंस. सो इन सारी चीज़ों में आपकी कितनी सेटिंग होती है, लाइक कि जैसे कि आपने बताया कि ट्रेल आती है, हाँ, लड़की का कैरेक्टर लेके आपको ये इशारों में सेटिंग है, तो आपकी कितनी सेटिंग हो जाती है लाइक? वो तो आपको देखना पड़ेगा, अगर मैंने आपको बता दिया सेटिंग हुई कि नहीं, तो फिर मज़ा क्या आएगा. बट you will enjoy both the films. To all my fans, my friends, my family and all the people who are watching this, please jaake aap dekhiye dono film Blank and Setters on 3rd May, don't forget, and watch it for me, watch it for the lovely actors, watch it for the content.